नमस्कार। आज के इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम भारतीय रेल पर स्थित सभी सिग्नल्स के बारे में विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो सिग्नल्स की इस श्रृंखला की कड़ी में सबसे पहले जानेंगे कि सिग्नल्स क्या हैं। सिग्नल परिवार का विस्तृत चार्ट हम देखेंगे तथा सहायक सिग्नल जैसे कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। रेल ऑपरेशन में ग्राउंड स्टाफ और गाड़ी कर्मी दल इनकी मुख्य भूमिका होती है। इन दोनों के बीच संवाद की मुख्य कड़ी सिग्नल्स होते हैं। संवाद के संकेत पूर्व निर्धारित होते हैं और इस संवाद को लोको पायलट तक पहुंचाने का कार्य सिग्नल्स करते हैं। सिग्नल्स का रेल संचालन में अनन्य साधारण महत्व है। सिग्नल्स के माध्यम से लोको पायलट को यह तसल्ली रहती है कि यदि डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन है, मतलब सभी पॉइंट ठीक ढंग से सेट हैं, रूट लॉक है, लेवल क्रॉसिंग गेट रोड ट्रैफिक के लिए बंद है और उसे पूर्ण गति से अपनी गाड़ी को स्टेशन से थ्रू जाना है। स्क्रीन पर सिग्नल परिवार का चार्ट दिखाया गया है। इसमें आपको सभी सिग्नल्स का वर्गीकरण दिख रहा है, जिसमें आज हम स्थावर सिग्नल के अंतर्गत सहायक सिग्नल के प्रकार की विस्तृत चर्चा करेंगे। सहायक सिग्नल वे सिग्नल हैं जो मुख्य सिग्नलों के अतिरिक्त स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बुलावा सिग्नल यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है। रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में इसकी पहचान के लिए इसके खंभे पर सफेद गोल चक्री में काले रंग से सी लिखा बोर्ड लगा रहता है। ये सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। हत्ते वाले सिग्नलों में इसका हत्ता सफेद रंग का होता है, जिस पर लाल खड़ी पट्टी होती है और इसका आकार मुख्य सिग्नल से छोटा होता है। इस सिग्नल का पालन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि गाड़ी रोक सिग्नल पर आकर रुक चुकी है। ऑफ स्थिति में यह सिग्नल एक छोटी पीली रोशनी दिखाता है तथा चालक को सूचना देता है कि प्रथम गाड़ी खड़ी करो, उसके बाद सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहो। यह सिग्नल स्क्रीन पर दिखाई परिस्थितियों में ऑफ किया जाता है। मुख्य सिग्नल खराब होने पर, मुख्य सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी न होने पर अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर खराब होने पर, कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब होने पर उसके संचालन को बंद मान लिया जाता है और यह सिग्नल ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है, इसलिए इसके लिए कोई अधिकार पत्र नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे शंट सिग्नल। शंट सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। यह सिग्नल शंटिंग कार्य का नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। शंट सिग्नल अकेले खंभे पर या प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। जब शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है, तब ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता, लेकिन ऑफ स्थिति में यह चालक को शंटिंग कार्य के लिए सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने की आज्ञा देता है, चाहे उसके ऊपर का सिग्नल ऑन स्थिति में ही क्यों न हो। एक खंभे पर एक से अधिक शंट सिग्नल लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय सबसे ऊपर लगा शंट सिग्नल सबसे बाई लाइन और ऊपर से दूसरा शंट सिग्नल सबसे बाई लाइन से दूसरी लाइन के लिए संबंधित रहता है और अन्य सिग्नल भी इसी क्रम में संबंधित रहते हैं। यदि शंट सिग्नल नहीं लगे हैं तो शंटिंग कार्य के लिए हाथ सिग्नलों का प्रयोग किया जा सकता है। शंटिंग के दौरान किसी शंट सिग्नल के खराब होने पर उसे ऑन स्थिति में पार करने के लिए कोई अलग से अधिकार पत्र नहीं दिया जाता है, बल्कि T806 पर ही उसका विवरण लिख दिया जाता है। शंट सिग्नल के तीन प्रकार हैं, गोल चक्री वाला शंट सिग्नल, स्थिति बत्ती वाले शंट सिग्नल, छोटे हत्ते वाले शंट सिग्नल। तो आइए सबसे पहले देखेंगे गोल चक्री वाला शंट सिग्नल।
इस सिग्नल पर लोहे के सफेद चक्री पर लाल रंग की आड़ी पट्टी होती है। अगर दिन में चक्री टॉक व्यवस्था में 45 डिग्री नीचे और मॉक व्यवस्था में 45 डिग्री ऊपर उठी हुई है, इसका मतलब सिग्नल ऑफ है, जो लोको पायलट को शंटिंग कार्य करने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का संकेत देती है। रात के समय चक्री दिखाई नहीं देती है, इसलिए रंगीन प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिति बत्ती वाले शंट सिग्नल। यह शंट सिग्नल केवल रंगीन रोशनी वाली सिग्नलों में ही पाया जाता है। यह किसी रोक सिग्नल के नीचे अथवा अकेले लगाया जा सकता है। तब दो क्षैतिज बत्तियों का दिखाई देना ऑन पोजीशन है और दो सफेद तिरछी बत्ती दिखाई देना ऑफ पोजीशन है। जब यह शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया हो, तब ऑन पोजीशन में कोई रोशनी नहीं बताएगा, लेकिन ऑफ स्थिति में शंटिंग के लिए दो तिरछी सफेद बत्ती दिखाई देती है। छोटे हत्ते वाले शंट सिग्नल। यह शंट सिग्नल विशेष अनुदेश द्वारा लगाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसे सिग्नल बड़े यार्ड अथवा जंक्शन स्टेशनों में शंटिंग कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके हत्ते का आकार छोटा होता है, किंतु रंग वैसा ही होता है जैसा रोक सिग्नल के हत्ते का होता है। दिन में सिग्नल का हत्ता क्षितिज के समान है, मतलब सिग्नल ऑन है, जो लोको पायलट को रुकने का निर्देश देता है। अगर दिन में सिग्नल का हत्ता टॉक व्यवस्था में 45 डिग्री नीचे और मॉक व्यवस्था में 45 डिग्री ऊपर उठा है, इसका मतलब सिग्नल ऑफ है, जो लोको पायलट को शंटिंग कार्य के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का संकेत देता है। रात के समय लोको पायलट को सिग्नल का हत्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए रंगीन प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। सिग्नल्स की श्रृंखला के अगले वीडियो में हम को एक्टिंग सिग्नल्स, रिपीटिंग सिग्नल्स और गेट सिग्नल्स की विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आने वाले वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।